जीतने वालों को मेरा सलाम। हाल एलरोड अपनी किताब में कहते हैं कि मेरा घर पहाड़ पर था। मैं कई बार कोशिश कर चुका था कि बिना रुके घाटी से अपने घर तक साइकिल पर जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। इस समय तक मैंने सारी स्ट्रेटजीज लगा ली थी। कभी मैं ड्रैग रेसिंग जैसे तेजी से शुरुआत करता, कभी एक ही कैडेंस या पैडल मारने की स्पीड बनाए रखता, कभी आसान शुरुआत करता और बीच में थकान शुरू होने पर तेजी से पैडल मारता, कभी इंस्पायरिंग गानों की प्लेलिस्ट बनाता, लेकिन हर बार मैं बीच रास्ते में रुक ही जाता। फिर एक दिन मैंने निश्चय किया कि सुबह के समय जब कोई ट्रैफिक ना हो तब मैं घाटी से शुरू करूंगा, रोड को न देखते हुए केवल साइकिल के आगे वाले टायर को देखूंगा और एक के बाद एक पैडल मारता जाऊंगा। ये खतरनाक और बेअक्ल तरीका था क्योंकि मुझे केवल आगे की 1.5 फीट की जमीन दिख रही थी। एक आध बार मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन न समय देखा न रास्ता, मैं एक के बाद एक पैडल मारता गया। जब जाने पहचाने रास्ते के कुछ रंगे हुए पत्थर दिखने लगे तब जाकर मैंने नज़र उठाई और देखा कि मैं पहाड़ चढ़ चुका हूँ। मैं खूब जोर से चिल्लाया। आसपास पड़ोसी खिड़की से झांककर सोच रहे होंगे कि इस जवान राइटर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, ये शक्ति है मोमेंटम की। मोमेंटम असल में लैटिन शब्द मूवीमेंटम का छोटा रूप है जो खुद मूवेयर या मूव से बना है। शायद इसलिए इसे हिंदी में संवेग कहते हैं। जब भी हरकत में या मूवमेंट में आते हैं तो जो चैलेंजेस कठिन लग रहे थे वो आसान होने लगते हैं। अगर ये सच है तो हेल एलरोड बार बार रुक क्यों रहे थे? क्योंकि वो अपना पैडल चलाने के अलावा रास्ता कितना दूर है और कठिन है ये भी कैलकुलेट कर रहे थे। पैडल मारने का मोमेंटम कट रहा था दिमाग के उल्टे मोमेंटम से। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपने डाउट्स को जगह देना ख़त्म किया, उनका सफ़र आसान होता गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक तरह का नेगेटिव मोमेंटम है? बिल्कुल, अगर बार बार डिस्ट्रैक्शन को दोहराया जाए तो वो अपना मोमेंटम पैदा कर लेता है। इससे निपटना कैसे है वीडियो में आगे देखेंगे। मोमेंटम बनाना आसान नहीं है। हेल एलरोड कहते हैं कि 90% लोग मोमेंटम का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे चेंज नहीं ला पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि 10-12 दिन बाद ये सारे चेंजेस आसान होने लगेंगे। तो अगला सवाल है कि मोमेंटम कैसे बनाया जाए? अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि शुरू में मोमेंटम बनाना हर दिन नीम करेले के जूस से भी कड़वा लगेगा। इसलिए शायद नेवी सील में मंत्र होता है, इफ़ इट डजंट सक वी डोंट डू इट। एक समय था जब मेरे दोस्त ने सीडेक में एडमिशन लिया। वहाँ इंस्टीट्यूट में हफ्ते के 7 दिन 12 घंटे क्लास होती थी, यानी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, और उसके बाद रात को 9 बजे से 2 बजे तक ऑप्शनल लैब भी खुली रहती थी। जाहिर है कि शुरू के 2 दिन में ही दोस्त घबरा गया। ये तो फिर भी बहुत बड़ा बदलाव था। जब हम अपने रूटीन में छोटा भी चेंज लाते हैं तो एक बदलाव पूरे सिस्टम को हिलाता है, इसलिए कोई भी बदलाव पसंद नहीं करता। मार्क मैनसन अपनी किताब में कहते हैं, एवरीथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ इज वन थ्रू सरमाउंटिंग द एसोसिएटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जो भी कुछ कीमती चीज़ है इस दुनिया में वो उससे जुड़े हुए दर्द और तकलीफ को पार करने के बाद हासिल की जाती है। दोस्त को भी 2 हफ्ते में 12 घंटे पिले रहने की आदत पड़ गई। जब भी मौका मिलता तब वह खूब सोता, लेकिन जब बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट हुआ तो हम लोगों के मंद मजाक तारीफ में बदल गए। दूसरा पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रेडिकल चेंज। जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें करने के लिए हमें हर दिन 3 से 4 चीज़ों पर काम करना होता है। डेरिन हार्डी, सक्सेस मैगजीन के एडिटर, कहते हैं कि छोटी छोटी हरकतें जो हम कभी कभी करते हैं उन्हें हर दिन करने पर वे भारी अंतर, रेडिकल चेंज लेकर आती हैं। मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट जिनकी छोटी छोटी हरकतों से उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसा अंतर जो आपकी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जा सके। मोमेंटम बनाने के लिए 3-4 ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ों पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप बिज़ी रहते हैं तो अगला प्रैक्टिकल तरीका आपके काम आएगा, 3-मिनट 100% रूल। अकस्मात कभी याद आता है कि फलाना ट्रेन के टिकट बुक कराने हैं, या किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर बात करनी है, या फलाना बिल भरना है, ऐसे अर्जेंट काम जो बीच में प्रकट होते हैं, मैं उनके लिए 3-मिनट 100% रूल का इस्तेमाल करता हूँ। रूल कहता है कि अगर बहुत ज़रूरी काम याद आए जिसमें 3 मिनट से ज़्यादा समय और दिमाग ना लगाना पड़े और सुबह का कीमती समय ना हो, तो मैं वो काम उसी समय ख़त्म कर देता हूँ।
अगर मैं उस समय नहीं कर पा रहा तो तत्काल उसी समय रुककर बात के लिए अलार्म ज़रूर लगा देता हूँ। अर्जेंट काम 100% कंप्लीट करके आगे बढ़ने से हमारे पास शांति से सोचने और समझने का समय निकलता है। लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करते समय हम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, नहीं तो हर दिन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा लगता है। साथ में जब भी कोई काम कंप्लीट होता है, आप पेपर पर उसे काटते हैं तो बोनस में मज़ा अलग आता है। अगला प्रैक्टिकल तरीका है फोकस ऑन दी आर। कम समय में मोमेंटम बनाने का बेजोड़ तरीका है। केवल इस घंटे पर फोकस करें, ना कल ना आज पर। इस घंटे पर फोकस कैसे बनेगा? केवल एक घंटे का टारगेट बनाएं, उसे हासिल करने की कोशिश करें, फिर अगले घंटे का टारगेट बनाएं और उसे पूरा करें। दोस्तों, ऐसा करने से काम तो जल्दी होता ही है, लेकिन अकम्प्लिशमेंट की भावना जो लगातार दो दिन के टारगेट कंप्लीट होने पर महसूस होने वाली थी, वही हर दो घंटे में प्रकट होती है। इस भावना की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से मोमेंटम बनता है। शायद इसलिए मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं। रायन हॉलिडे, जो लेखक होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, वे कहते हैं, इस क्षण पर फोकस करें, शायद भविष्य में जिन भूतों की कल्पना आप कर रहे हैं वो आपको मिले नहीं। फोकस ऑन द मोमेंट, द प्रेजेंट, नॉट द मॉन्स्टर्स दैट मे नॉट बी अहेड। जब भी आप अपनी पूरी एनर्जी केवल आज में लगा देते हैं तो एनर्जी कभी कम नहीं होती, कल में, भूत भविष्य में ना बहते हुए बच जाती है। अगले दिन, अगले घंटे का प्रयास, साहस और मोमेंटम बना रहता है। मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं तब शुरुआत में अनपेक्षित जगह से रुकावटें आती हैं। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी अर्जेंट काम आ जाता है, कभी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, इसी कारण मोमेंटम या मूव होना रुक जाता है। अगर मैं और आप गौर से देखें तो ये प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड की है, वो बदलाव नहीं चाहता। इसलिए न केवल वो चैलेंजेस खड़े करता है बल्कि दिमाग ब्लॉक करके सॉल्यूशन भी नहीं निकालने देता। इसलिए हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आसानी से दिखते हैं लेकिन खुद अटक जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को मोमेंटम के लिए प्रोग्राम करने के लिए सिंपल डेली अफर्मेशंस कीजिए, जिसमें सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस जैसी भावनाएं ज़रूर शामिल हों। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, रिलैक्सेशन, आराम, चैन, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, हैप्पीनेस, आनंद, खुशी, मज़ा, ये सब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि से जुड़ी हुई भावना है। वहीं कॉन्फिडेंस, विश्वास, प्राइड, गर्व, पावरफुल, ताकतवर जैसी मिलती जुलती आत्मविश्वास की भावनाएं आपके अफर्मेशन में ज़रूर शामिल हों। और साथ में आप स्पेसिफिक एक्शन जोड़ सके तो बात ही क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं हम जीतेंगे हर दिन 1000 शब्द लिखकर कृतज्ञता, आत्मविश्वास और संतुष्टि से भर जाता हूँ। इसमें ये भावना भी छुपी है कि अगर मोमेंटम बनाने में कोई दूसरी चीज़ छूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम के प्रति कृतज्ञता और संतुष्टि है। और आत्मविश्वास की जो भी किया जा रहा है वो पूरे शक्ति, संवेग और संतुलन से। दोस्तों, अभी आपके पास समय हो तो 2 मिनट्स रूल पर वीडियो ज़रूर देखिए, आपको नई चीज़ें शुरू करने में आसानी होगी, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से, आपके एक्शन से कोई वीडियो, कोई नोटिफिकेशन कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।